अभी तक हम लोगों ने जितना कुछ देखा सिग्नल एंड सिस्टम में, सबसे पहले हम लोगों ने सिग्नल्स की बेसिक डेफिनेशन देखी, सिस्टम की बेसिक डेफिनेशन देखी, फिर टाइप्स ऑफ सिग्नल्स देखे जो कि कंटिन्यूस या फिर एनालॉग, डिस्क्रीट एंड डिजिटल सिग्नल्स होता है। फिर हम लोगों ने कुछ बेसिक टाइप्स के सिग्नल्स देखे जैसे कि यूनिट स्टेप सिग्नल, इम्पल्स सिग्नल, रैंप सिग्नल, रेक्टेंगुलर सिग्नल, ट्रेंगुलर सिग्नल, जो कि आगे हम लोग जब यूज़ करेंगे सिग्नल्स एंड सिस्टम में आगे जब जाएंगे तो इन सारी सिग्नल्स का यूज़ होगा। तो यहाँ तक हमने हम लोग ने देखा था अभी तक, और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ देखी थी किसकी, इम्पल्स सिग्नल्स की, जिसपे बेस्ड हम लोगों ने काफ़ी सारे कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग को पढ़ना है आगे, वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिग्नल्स। ठीक है, जब हम लोग सिग्नल को ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, जब मान लीजिए हमारे पास कोई सिग्नल है, उसे हम जब सिस्टम में देंगे तो वो आउटपुट में जो हमें सिग्नल मिलेगा वो ट्रांसफॉर्म फॉर्म में मिलेगा, मीन्स एग्जैक्ट फॉर्म जो इनपुट का था उस फॉर्म में ना मिलके उसमें कुछ चेंजेस हमें आउटपुट में देखने को मिलेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिग्नल्स कितने प्रकार के होते हैं, बेसिकली देयर आर फोर टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिग्नल्स। फर्स्ट वन इज शिफ्टिंग, सेकेंड वन इज स्केलिंग, थर्ड वन इज एम्पलीट्यूड स्केलिंग, एंड फोर्थ वन इज टाइम रिवर्सल। सो दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिग्नल्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो सिग्नल का ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग पढ़ेंगे वो स्केलिंग पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिग्नल्स। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिग्नल्स में जो अगर फर्स्ट सिग्नल्स जो हम लोग देखेंगे वो क्या है, स्केलिंग, सेकेंड वन इज शिफ्टिंग, थर्ड वन इज टाइम रिवर्सल, फोर्थ वन इज एम्पलीट्यूड स्केलिंग। ठीक है, दीज आर द बेसिकली फोर टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिग्नल्स। ये स्केलिंग टाइम डोमेन में, ये शिफ्टिंग भी टाइम डोमेन में, ये टाइम रिवर्सल एंड ये एम्पलीट्यूड स्केलिंग। ठीक है, दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिग्नल। तो सबसे पहले स्केलिंग की बात आती है, तो स्केलिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा टाइम एक्सिस होता है हम लोग उसको स्केल कर देते हैं। मान लीजिए हमारा टाइम एक्सिस है टी, तो उसे हम लोग अगर टी बाई टू कर दे या थ्री टी कर दे या फोर टी कर दे तो वो हो गया टाइम स्केलिंग। सेकेंड वन इज शिफ्टिंग। शिफ्टिंग में क्या करते हैं, हम लोग अपने सिग्नल को जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल होता है उसे उस जिस इंस्टेंट पे वो प्रेजेंट है वहाँ से शिफ्ट करके किसी और टाइम पे अगर उस सिग्नल को अगर शिफ्ट कर दे तो वो क्या हो गया, शिफ्टिंग। थर्ड वन इज टाइम रिवर्सल, मीन्स अगर हमारा सिग्नल मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल टी ग्रेटर देन जीरो के लिए प्रेजेंट है तो उसे अगर हम टाइम रिवर्स करेंगे तो वो फ्लिप हो जाएगा अबाउट वाई एक्सिस। एंड फोर्थ वन इज एम्पलीट्यूड स्केलिंग। मान लीजिए हमारे पास कोई सिग्नल है जिसका एम्पलीट्यूड वन है तो और हमें जो चाहिए सिग्नल, जो हमारा रिक्वायर्ड सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड अगर फोर है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे एम्पलीट्यूड स्केलिंग यूज़ करेंगे ताकि हमें रिक्वायर्ड आउटपुट मिल सके। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग स्केलिंग पे आते हैं। फर्स्ट वन इज टाइम स्केलिंग, ओके, या फिर स्केलिंग, दिस वन इज टाइम स्केलिंग। तो टाइम स्केलिंग में हम पहले एक एग्जांपल लेके समझते हैं तो हमें टाइम स्केलिंग ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। लेट्स सपोज वी हैव ए सिग्नल
वे हैव अ सिग्नल, वे हैव अ सिग्नल, विच इज फ्रॉम -3 टू लेट्स -4 टू 4. दिस इज आवर टाइम एक्सिस एंड इट्स एम्पलीट्यूड इज 1. दिस इज अ सिग्नल x ऑफ t. ये एक सिग्नल है x ऑफ t, ठीक है. हमारे पास एक सिग्नल है x ऑफ t. अब हमें क्या करना है, इसे स्केल करना है, इसे टाइम स्केलिंग करना है इसमें. तो मान लेते हैं पहले इस सिग्नल को हम लोग डिफाइन करते हैं कि अगर इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाए तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे. लेट्स सी. तो x ऑफ t इज इक्वल्स टू 1 फॉर व्हेन t लाइज बिटवीन -4 टू 4. ओके, x ऑफ t इज इक्वल्स टू 1 व्हेन टाइम लाइज बिटवीन -4 टू 4. -4 से 4 के लिए जब हमारा टाइम -4 से 4 के बीच में है तो हमारा एम्पलीट्यूड कितना है, x ऑफ t की वैल्यू कितनी है, 1. ओके, एंड 0 अदरवाइज. ओके, यहाँ पे वैल्यू 0 है, यहाँ पे भी वैल्यू 0 है, और -4 टू 4 के बीच में हमारा जो वैल्यू है वो कितना है, 1. अब लेट सपोज ये हमें x ऑफ t है और हमारा रिक्वायर्ड सिग्नल जो है वो x ऑफ 2t है. मान लीजिए हमसे किसी ने पूछा कि x ऑफ t इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड x ऑफ 2t, तो हमें क्या करना पड़ेगा. यहाँ अगर हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म से समझें तो मान लीजिए हमें किसी ने पूछा कि x ऑफ 2t निकालना है, तो x ऑफ 2t इज नथिंग बट इसका भी वैल्यू 1 ही होगा, बट दिस टाइम हमारा जो टाइम होगा वो टी ना होके 2t हो जाएगा, ठीक है. ये अब 2t क्या है, -4 टू 4 के बीच में, क्योंकि हमारे पास जब ये टी था तो ये टी -4 से 4 के बीच में था. अब हमें जो निकालना है वो 2t निकालना है, इसी सिग्नल को ट्रांसफॉर्म करके x ऑफ 2t निकालना है. तो हम सिंपली क्या करेंगे, टी के जगह 2t पुट कर देंगे, ठीक है. तो इट विल बी अगेन, अगर हम लोग सारे साइड को 2 से डिवाइड कर दें तो इट विल बी -2t < 2. तो अब जो हमारा t आ गया वो कहाँ से कहाँ तक आ गया, -2 से 2 एंड 0 अदरवाइज, ठीक है. जो हमारी अब न्यू सिग्नल डिफाइन होके आई x ऑफ 2t वो 1 वैल्यू ले रही है कहाँ से कहाँ तक, जब हमारा t है -2 से 2. तो अगर हम लोग फिर इसे मैथमेटिकली, इसे अगर ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, ठीक है, और ये हमारा क्या, कौन सा सिग्नल हो गया, ये x ऑफ 2t हो गया, ठीक है. तो ये कहाँ से कहाँ तक वैल्यू ले रही है, ये वैल्यू ले रही है 1 व्हेन t लाइज बिटवीन -2 से 2 तक. तो ये हम लोग ने x ऑफ 2t डिफाइन किया. अब हम लोग x ऑफ 3t डिफाइन करते हैं, सॉरी x ऑफ t बाई 2 डिफाइन करते हैं. हम लोग ने x ऑफ 2t डिफाइन किया. अब डिफाइन नेक्स्ट सिग्नल अगर मान लीजिए हमें निकालना, वो x ऑफ t बाई 2 है. x ऑफ t बाई 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी ये 1 होगी, लेकिन t के जगह क्या आ जाएगा, t के जगह t बाई 2 आ जाएगा. तो -4 t बाई 2 4 एंड 0, ठीक है. ये -4 से 4 के बीच में t बाई 2. अब हमें क्या करना, बोथ साइड सारे साइड को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये जो t बाई 2 है हमारा वो सिर्फ t में कन्वर्ट हो जाए. तो इट विल बी -8t < 8, ठीक है. तो ये क्या कर रही है, ये -8 से 8 वैल्यू कितनी दे रही है, 1. जब टाइम हमारा -8 से 8 के बीच में लाई कर रहा है तो उसकी वैल्यू 1 एंड 0 अदरवाइज. ठीक है, और अब हम इसे भी एक बार रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली.
माइनस 8 टू 8 ये हमारा टाइम, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x t अपॉन 2। तब हम लोग ने देखा जब हम लोग x ऑफ 2 t रख रहे थे तो हमारा सिग्नल कंप्रेस हो रहा था, मतलब सिकुड़ रहा था, और x ऑफ t बाई 2 में हमारा सिग्नल क्या हो रहा, एक्सपेंड हो रहा, मीन्स फैल रहा। तो अगर हम लोग इसे एक जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहें, एक जनरलाइज फॉर्म में अगर हम लोग इसे लिखना चाहें तो हमें एक शॉर्टकट दिख रहा होगा। अगर यहाँ पे इस ग्राफ में हम लोग अगर x ऑफ 2t निकालना है तो डायरेक्ट 4 बाई 2 कर दें। अगर मान लीजिए ये हमें x ऑफ t दिया हुआ है, सिर्फ ग्राफ से हम लोग को निकालना है अगर x ऑफ 2t विदाउट इतना ज़्यादा लेट किया, हमें क्या एग्ज़ाम में क्या होता है, हम लोग को जितना जल्दी आंसर निकाल सके उतना जल्दी निकालना चाहिए, टाइम सेव करना चाहिए। तो ये हमारा x ऑफ t है, x ऑफ t अब हमें निकालना क्या है, x ऑफ 2t। तो x ऑफ 2t निकालना है तो इसे सिंपली 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है। फिर मान लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 से 2, तो ये बिल्कुल ये वाली सिग्नल बन जाएगी माइनस 2 से 2। अब मान लीजिए हमें निकालना है x ऑफ t बाई 2, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ 1 बाई 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी माइनस 8 और ये हो जाएगी प्लस 8, तो ये सिग्नल, ये वाली सिग्नल बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, अगर हम लोग को क्विक आंसर निकालना हो तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इस मेथड को ऑप्ट कर सकते हैं, ओके। सो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ टाइम स्केलिंग, फर्स्ट वन इज एक्सपेंडिंग एंड सेकेंड वन इज कंप्रेसिंग। एक में हमें एक्सपेंड करना है, दूसरा कंप्रेस करना। तो ये जो एग्जांपल है ये किस चीज़ का एग्जांपल है, ये कंप्रेस का एग्जांपल है, और ये वाली जो एग्जांपल है वो किस चीज़ की एग्जांपल है, वो एक्सपेंडिंग का एग्जांपल है। तो ये हो गया हमारा टाइम स्केलिंग, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, टाइम एक्सिस को स्केल किया, क्लियर यहाँ तक। अब जो नेक्स्ट सिग्नल हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो देखेंगे वो टाइम शिफ्टिंग देखेंगे, यहाँ तक क्लियर। अगर मान लीजिए से हम एक जनरलाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें, एक जनरलाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें, तो अगर x ऑफ t हमारा माइनस फाइव टू फाइव है, मान लीजिए माइनस फाइव टू फाइव है, ये वैल्यू 1 ले रही है, x ऑफ t है, ठीक है। ये हमारा x ऑफ t है। अब हमें निकालना है मान लीजिए x ऑफ अल्फ़ा t, अल्फ़ा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे यहाँ हम लोग ने 2 लिया, एक बार 1 बाई 2 लिया, तो x ऑफ अल्फ़ा t निकालना है तो हमें कुछ नहीं करना है, बस इस सिग्नल पे माइनस 5 से 5 था, अब बस इसे अल्फ़ा से डिवाइड कर देना, ये हो गया t, ये 1, ये बन गया हमारा x ऑफ अल्फा t, क्लियर है। तो ये एक जनरलाइज फॉर्म हो गया, एक्सपेंडिंग और कंप्रेसिंग इसमें दोनों आ गया, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा टाइम स्केलिंग। अब जो नेक्स्ट सिग्नल, नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे वो टाइम शिफ्टिंग। नेक्स्ट क्या देखना है हमें, टाइम टाइम शिफ्टिंग, क्लियर है। टाइम शिफ्टिंग मीन्स क्या हुआ, टाइम शिफ्टिंग मीन्स मान लीजिए हमारे पास कोई सिग्नल है वो माइनस टू से टू के बीच में वो डिफाइन है, मान लीजिए वो हमारे पास कोई एक्स ऑफ टी है वो माइनस टू से टू के बीच में वो कोई वैल्यू दे रही है। अब हमें चाहिए कि हमें वही वैल्यू माइनस टू से टू के ना होके वो माइनस थ्री से स्टार्ट हो, ठीक है, या फिर प्लस थ्री से स्टार्ट हो। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें अपने ओरिजिनल सिग्नल को शिफ्ट करना पड़ेगा बाय सब टाइम, ठीक है। तो उस टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, टाइम शिफ्टिंग। तो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ टाइम शिफ्टिंग, एक में होता है टाइम डिले, एक होता है टाइम एडवांस। टाइम डिले मीन्स मान लीजिए हमारे पास कोई सिग्नल x ऑफ t है वो t इक्वल्स टू जीरो से स्टार्ट हो रही है,
जैसे हमारा एग्जांपल फॉर एग्जांपल यू ऑफ टी यूनिट स्टेप सिग्नल थी, वो टी इक्वल्स टू जीरो से स्टार्ट हो रही थी, उसके बाद सारे टी ग्रेटर देन जीरो के लिए वन वैल्यू ले रही थी। अब हमें टाइम डिले करना, मीन्स हम चाहते हैं कि वो सिग्नल टी इक्वल्स टू जीरो पे ना स्टार्ट होके कुछ देर बाद स्टार्ट हो, मीन्स डिले हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे उस सिग्नल को शिफ्ट कर देंगे। फिर अगर मान लीजिए किसी ने बोला नहीं हमें वो सिग्नल क्या चाहिए, पहले चाहिए, मतलब टी इक्वल्स टू जीरो से पहले से वो स्टार्ट रहे, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें उसे टाइम एडवांस करना पड़ेगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी। मान लीजिए ये हमारे पास ये x of t है, ये माइनस टू से टू के बीच में डिफाइन है। क्लियर है, x of t माइनस टू से टू के बीच में डिफाइन है। अब हमें किसी ने पूछा कि हमें x of t माइनस थ्री निकालना है, ठीक है, x of t माइनस थ्री निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे, इस सिग्नल को जो हमारा माइनस टू है और टू से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे थ्री ऐड कर देंगे। क्लियर है, यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम लोग x ऑफ t दिया हुआ था और x ऑफ t माइनस थ्री निकालना था, x ऑफ t दिया हुआ था x ऑफ t माइनस थ्री निकालना, मीन्स हमें ये एक सिग्नल को उधर शिफ्ट करना है। ठीक है, इस सिग्नल को शिफ्ट करना है, फोर टी ग्रेटर देन जीरो वाली एक्सिस पे हमें इस सिग्नल को शिफ्ट करना है। तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस टू प्लस थ्री कर देंगे और यहाँ पर भी टू प्लस थ्री कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये वन आ जाएगा और ये फाइव आ जाएगा। तो हमारा जो नया सिग्नल हुआ एक्स टी माइनस थ्री, वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा, वो वन से लेके फाइव तक डिफाइन होगा। क्लियर है, चलिए इसे ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करके देखते हैं। ये हमारा टी इक्वल्स टू जीरो था, ये टी अब जो हमारा नया सिग्नल है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, वो वन से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा फाइव तक, और ये जो सिग्नल बनेगा वो उसके नाम हो, उसका अगर हम लोग नोमेनक्लेचर करें तो x ऑफ t माइनस थ्री, ये x ऑफ t माइनस थ्री, और ये कहाँ से स्टार्ट होगी, ये वन से स्टार्ट होके फाइव तक जाएगी। क्लियर है, इसकी वैल्यू वन। ठीक है, ये हमारा शिफ्टेड वर्जन हो गया, और ये क्या हो गया, टाइम डिले फंक्शन। ठीक है, यहाँ टाइम क्या हो रहा है, डिले हो रहा है, मीन्स हमें पहले से जो सिग्नल मिल रहा था हम लोग को कुछ देर बाद अब वो सिग्नल मिलेगा। क्लियर है, अब इसी में अगर हम किसी ने पूछ दिया नहीं हमें x ऑफ t माइनस थ्री नहीं चाहिए, हमें x ऑफ t प्लस थ्री चाहिए। क्लियर है, तो अगर t प्लस थ्री चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस टू माइनस थ्री कर देंगे और यहाँ पे टू माइनस थ्री कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस फाइव और ये हो जाएगी माइनस वन। क्लियर है, तो इसे अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें, तो ये कहां से कहां तक हो जाएगा, माइनस फाइव टू माइनस वन। और ये हो गया x ऑफ t प्लस थ्री। क्लियर है, ये हो गया कितना, x ऑफ t प्लस थ्री, ये हमारी वैल्यू कितनी होगी, x ऑफ t प्लस थ्री। तो अब हमें जो दिख रहा है, यहाँ पे ये सिग्नल इस साइड शिफ्ट हो रही थी, यहाँ पे ये सिग्नल इस साइड शिफ्ट हो रही, मीन्स मगर अब मैं अपनी बात करूँ तो ये सिग्नल राइट साइड है और ये सिग्नल लेफ्ट साइड है। अगर आप अपने हिसाब से देखेंगे तो ये राइट साइड शिफ्ट हो रही है और ये लेफ्ट साइड सिग्नल शिफ्ट हो रही है। ठीक है, तो हम आपके अकॉर्डिंग बात करते हैं, ये सिग्नल किधर शिफ्ट हो रही है, राइट साइड, और ये सिग्नल लेफ्ट साइड। आपके अकॉर्डिंग मीन्स अगर आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि ये सिग्नल किधर शिफ्ट हो रही है, राइट साइड, और ये सिग्नल शिफ्ट हो रही है लेफ्ट साइड। मीन्स अगर हम लोग टी माइनस थ्री करें, अगर ये क्या किस चीज़ का एग्जांपल है, ये एग्जांपल हो गया टाइम डिले का, और ये एग्जांपल हो गया टाइम एडवांस का, वो टाइम डिले का एग्जांपल और ये टाइम एडवांस का एग्जांपल है। ठीक है, तो अगर ये राइट साइड शिफ्ट हो रही है और ये लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रही है, तो x ऑफ t माइनस थ्री, अगर t माइनस थ्री है तो ये राइट साइड शिफ्ट होगी और t प्लस थ्री है तो ये
लेफ्ट साइड शिफ्ट होगी। क्लियर है? तो अगर हम लोग इसे जनरलाइज्ड वे में लिखना चाहें, जनरलाइज्ड वे में लिखना चाहें तो क्या होगा, अगर मान लीजिए अपन को निकालना है x ऑफ t माइनस टी नॉट, अपने को क्या निकालना है x ऑफ t माइनस टी नॉट, तो अगर t नॉट पॉजिटिव वैल्यू है, इफ t नॉट इज पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टाइम डिले। क्लियर है? और अगर t नॉट नेगेटिव है तो ये हो जाएगा टाइम एडवांस। क्लियर? ये हो जाएगा टाइम डिले और ये हो गया टाइम एडवांस। अगर आपको यहाँ समझने में दिक्कत हो रही है कि ये टाइम डिले और टाइम एडवांस कैसे आ रहा है, तो चलिए हम आपको एक और वे में समझाते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई सिग्नल है एक्स ऑफ टी प्लस थ्री, एक्स ऑफ टी प्लस थ्री है, ठीक है, तो टी इक्वल्स टू जीरो पे क्या आएगा, ये हो जाएगा x ऑफ थ्री, मीन्स हमारा जो करेंट टाइम है वो क्या है, जीरो, लेकिन ये फिर भी क्या दे रहा, एक वैल्यू दे रही है, मीन्स ये टाइम से पहले चल रहा, समझिएगा। हम अगर t इक्वल्स टू जीरो पे देखें तो हमें तो x ऑफ जीरो मिलना चाहिए था, ठीक है, x ऑफ जीरो मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ हमें x ऑफ थ्री मिल रहा है, x ऑफ थ्री मिल रहा है, मीन्स हमें टाइम से पहले ही कुछ वैल्यू मिल रही है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, टाइम एडवांस का। उसी तरह अगर यहाँ पे t माइनस थ्री लें तो जीरो पे क्या आ जाएगा, एक्स ऑफ माइनस थ्री, मीन्स कुछ देर बाद वो ऑलरेडी माइनस थ्री है, और उस माइनस थ्री को जीरो करने के लिए हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, टी इक्वल्स टू थ्री लेना पड़ेगा, तब जाके वो जीरो होगा, मीन्स तीन सेकेंड, मतलब तीन, मान लीजिए तीन सेकेंड बाद भी हमें आउटपुट क्या मिल रही है, जीरो मिल रही है, एक्स ऑफ जीरो मिल रही है, मीन्स वो टाइम डिले चल रहा है, मतलब टाइम से पीछे चल रहा हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइम शिफ्टिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल मीन्स टाइम का रिवर्स, अगर पॉजिटिव एक्सिस में है तो उसे नेगेटिव एक्सिस में लाना है, और नेगेटिव एक्सिस में है तो उसे पॉजिटिव एक्सिस में लाना। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सिग्नल है यू ऑफ टी, यूनिट स्टेप सिग्नल हम लोगों ने देखा था यू ऑफ टी, ये टी इक्वल्स टू जीरो है, ठीक है, हमारे पास एक सिग्नल है यू ऑफ टी, ठीक है। अब हमें निकालना है u ऑफ माइनस टी, मीन्स टाइम को हम लोग ने क्या किया, रिवर्स कर दिया, पॉजिटिव टाइम को नेगेटिव टाइम कर दिया, तो u ऑफ माइनस टी निकालना है, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस ये y एक्सिस के अकॉर्डिंग इसे मिरर, इसका मिरर इमेज एक ले लेना है, तो अगर हम लोग इसका मिरर इमेज लेंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, और ये बन जाएगा u ऑफ माइनस टी। क्लियर है? तो ये एग्जाम्पल हो गया किसका, टाइम रिवर्सल का। टाइम रिवर्सल अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी सिग्नल दिया हुआ है और उससे पूछे कि हमारा इसका टाइम रिवर्स क्या होगा, मीन्स एक्स ऑफ टी आपको गिवन है, एक्स ऑफ टी गिवन है, और उससे उसको बोले कि इसका टाइम रिवर्सल फॉर्म निकालना, मीन्स एक्स ऑफ माइनस टी निकालना, तो हमें कुछ नहीं करना, बस उसे वाई एक्सिस के अराउंड फ्लिप कर देना है, ठीक है, मिरर इमेज लेकर। क्लियर है? अब नेक्स्ट वन इज एम्पलीट्यूड स्केलिंग। नेक्स्ट वन इज एम्पलीट्यूड स्केलिंग। अब हमें एम्पलीट्यूड स्केलिंग देखना, तो मान लीजिए एम्पलीट्यूड स्केलिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, मान लीजिए हमारे जो रिक्वायर्ड पावर या रिक्वायर्ड एनर्जी है वो काफ़ी हाई है, और हमारे पास जो सिग्नल है उसकी रिक्वायर्ड पावर या रिक्वायर्ड एनर्जी बहुत कम है, तो हमें उसकी पावर या एनर्जी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एम्पलीट्यूड स्केलिंग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, ये वन है, ये एक्स ऑफ टी है, ये माइनस टी वन से टी टू के बीच में लाइक कर रही है, ठीक है, ये माइनस टी वन से टी टू के बीच में लाइक कर रही है, और ये एक्स ऑफ टी है। अब हमसे
कोई बोले कि हमें 5x(t) निकालना है, 5x(t) निकालना, तो 5x(t) निकालना तो ये कुछ नहीं है, बस इसका एम्पलीट्यूड है वो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5। तो ये क्या करेगा, इसकी एनर्जी को बढ़ा देगा। कैसे बढ़ा देगा, जब अभी हम लोग पावर एंड एनर्जी सिग्नल देखेंगे तब हम लोग देखेंगे कि इसकी एनर्जी कैसे इंक्रीज हो गई है। क्लियर है? तो ये हम लोग ने देखा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिग्नल। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिग्नल में हम लोग ने क्या देखा, सबसे पहले टाइम स्केलिंग। टाइम स्केलिंग में हम लोग ने फिर देखा दो चीज़, एक कंप्रेशन और एक एक्सपेंडेशन। ठीक है, एक में हम लोग कंप्रेस कर रहे थे और दूसरे में एक्सपेंड कर रहे थे। फिर आई टाइम शिफ्टिंग की बात, तो टाइम शिफ्टिंग में भी हम लोग ने देखा था कि हम लोग एक बार टाइम डिले कर रहे थे, एक बार टाइम एडवांस कर रहे थे। फिर आई टाइम रिवर्सल और एम्पलीट्यूड स्केलिंग। सो दीज आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिग्नल। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ सिग्नल्स के कितने प्रकार के होते हैं। हम लोग सिग्नल्स को पहले हम लोग ने देखा था कि वो कंटिन्यूस या एनालॉग सिग्नल है या डिस्क्रीट सिग्नल है या डिजिटल सिग्नल है। उसमें भी हम लोग उसको सिग्नल्स को क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं डिफरेंट बेसिस पे, जैसे एनर्जी सिग्नल, पावर सिग्नल, इवन एंड ऑड सिग्नल, काउजल नॉन काउजल सिग्नल। क्लियर है? तो वो सब अभी हम लोग डील करेंगे। क्लियर है? ठीक है, एनर्जी एंड पावर सिग्नल। तो एनर्जी एंड पावर सिग्नल बेसिकली हमें बताता क्या, तो एनर्जी एंड पावर सिग्नल गिव्स द आइडिया अबाउट हाउ मच ऑफ द इनपुट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द आउटपुट एनर्जी और हाउ मच ऑफ द इनपुट पावर इज ट्रांसफर्ड टू द आउटपुट पावर। तो एनर्जी एंड पावर सिग्नल से अगर मान लीजिए हमारे पास कोई इनपुट सिग्नल है, ठीक है, इनपुट सिग्नल है, उसका हम लोग पावर या एनर्जी कैलकुलेट कर लिए, फिर उसे किसी सिस्टम में अप्लाई किए और फिर हमें एक आउटपुट मिला, ठीक है, एक आउटपुट मिला, फिर हम लोग आउटपुट का एनर्जी या फिर पावर कैलकुलेट कर लेंगे। तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि हमारा हमने कितना इनपुट दिया और हमें कितना उसके रिस्पेक्ट में आउटपुट मिल रहा। बेसिकली एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स की यूज़ वहीं पर होती है। ठीक है, तो अगर हम लोग लिखना चाहें It gives the idea about how much of the input energy or input energy or power is transferred to the output। इनपुट की कितनी एनर्जी और पावर आउटपुट में ट्रांसफर हो रही है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, एनर्जी एंड पावर सिग्नल से क्या पता चलता है कि हम लोग ने किसी भी सिस्टम में, मान लीजिए हमारे पास कोई एक सिस्टम है, उस पर हम लोग ने इनपुट दिया तो उसका एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर जब वो सिस्टम से पास हुआ तो हमें आउटपुट मिला, फिर उस आउटपुट सिग्नल का एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें यह पता चलेगा कि हम लोगों ने इनपुट में कितना एनर्जी दिया था और आउटपुट में हमें उसके रिस्पेक्ट में क्या कितना एनर्जी मिल रहा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग डील करते हैं एनर्जी सिग्नल के बारे में। क्लियर है? अब मान लीजिए हमारे पास कोई सिग्नल है x of t हमारे पास कोई एक सिग्नल है, उसका एनर्जी हमें निकालना है। उसका क्या निकालना है हमें एनर्जी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं उसकी एनर्जी निकालने के क्या फॉर्मूला होती है। E of x of t is equals to integration of -t to x of t का मोड का स्क्वायर इंटू डी ऑफ टी। ये क्या हो गया, एनर्जी निकालने का फॉर्मूला। एक्स ऑफ टी हमारे पास मान लीजिए कोई एक सिग्नल है, तो उसका एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, E of x t is equals to -t से t x of t का होल स्क्वायर इंटू डी ऑफ टी।
यहाँ तक क्लियर? ठीक है, ये हो गया ई ऑफ एक्स टी माइनस टी से टी एक्स ऑफ टी का होल स्क्वायर डी ऑफ टी। तो ये सिर्फ ये किस चीज़ के लिए हो गया, ये फॉर्मूला जो हुआ वो कंटिन्यूस सिग्नल के लिए हुआ, वो कंटिन्यूस सिग्नल के लिए हुआ। ये फॉर्मूला हम लोग यूज तभी कर सकते हैं जब एक्स ऑफ टी हमारा कंटिन्यूस हो, ठीक है। और अगर हमारा एक्स ऑफ टी डिस्क्रीट है तो उसके लिए जो फॉर्मूला आएगा ई ऑफ एक्स ऑफ एन इज इक्वल्स टू समेशन एन इक्वल्स टू माइनस एन टू कैपिटल एन इंटू एक्स ऑफ एन का मॉड का स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा डिस्क्रीट डोमेन के लिए, ये जो फॉर्मूला हो गया ये फॉर्मूला कहाँ कब यूज होगा, ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब हमारा एक्स ऑफ एन डिस्क्रीट हो। यहाँ तक क्लियर, ये फॉर्मूला होगा हमारा एक्स ऑफ एन जब हमारा डिस्क्रीट हो। तो ऊपर वाला पार्ट हम लोग रब कर देते हैं, यहाँ पे एक चीज़ मिस हो गई, यहाँ पे एक चीज़ मिस हो गई, क्या मिस हुई है, यहाँ पे जो आगे आएगा लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी, ये जो टी है इन्फिनिटी तक जाएगी और यहाँ पर भी एक आएगी इज इक्वल्स टू लिमिट कैपिटल एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये चीज़ ऐड कर लीजिएगा, ये मिस हो गई। वहीं से ही आप एक्स टी, अगर एक्स ऑफ टी हमें कोई सिग्नल है तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी माइनस टी से टी एक्स ऑफ टी का होल स्क्वायर डी ऑफ टी, और अगर हमारे डिस्क्रीट डोमेन में है तो एन टेंस टू इन्फिनिटी एन इक्वल्स टू माइनस एन टू एन एक्स ऑफ एन का होल स्क्वायर, ये डिस्क्रीट डोमेन में। आगे हम लोग इस पर बेस्ड न्यूमरिकल्स देखेंगे, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ फॉर्मूला लिख के छोड़ दिए, इस पर बेस्ड काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूमरिकल, काफ़ी कंसेप्चुअल न्यूमरिकल जो आपके दो तीन क्वेश्चन या आपके पूरा कंसेप्ट को क्लियर कर दें, उस टाइप के न्यूमरिकल्स अभी हम लोग इस पर बेस्ड डील करेंगे। पहले हम लोग एनर्जी सिग्नल को और अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास x ऑफ t कोई सिग्नल है और इसकी एनर्जी E है, x ऑफ t कोई सिग्नल है इसकी एनर्जी कितनी है E है, तो x ऑफ अल्फा t की एनर्जी, एक मिनट, एक्स ऑफ टू टी की एनर्जी कितनी हो जाएगी ई बाई टू, अगर इसे जनरलाइज कर दें तो एक्स ऑफ अल्फा टी की एनर्जी कितनी हो जाएगी ई अपॉन अल्फा। क्लियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसे अभी हम लोग देखते हैं ये कैसे आया, इसे हम लोग अभी देखते हैं कैसे आया, ठीक है। एक्स ऑफ अल्फा टी अगर है तो उसकी एनर्जी जो हो जाएगी ई अपॉन अल्फा हो जाएगी, ई अपॉन मॉड अल्फा हो जाएगी। क्लियर है, तो इसको एक एग्जांपल के बेसिस पे समझते हैं कि ये फॉर्मूला आया कैसे। जैसे ये हमारे पास सिग्नल है, ये माइनस फोर टू फोर है, ये एक्स ऑफ टी, ये वन, ये टी, ये हमारे पास एक सिग्नल है एक्स ऑफ टी जो माइनस फोर से फोर में वन वैल्यू ले रहा है, ठीक है। तो अगर हमें इसकी एनर्जी निकालनी होगी, इसकी एनर्जी निकालनी होगी तो ई इक्वल्स टू लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टी से टी एक्स ऑफ टी होल स्क्वायर डी टी। अब यहाँ पर टी क्या है, टी इक्वल्स टू फोर है, ठीक है, क्योंकि इसकी टाइम पीरियड कितने है, माइनस फोर से फोर तक, इज इक्वल्स टू लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी माइनस फोर टू फोर, और एक्स ऑफ टी के जगह कितना आ जाएगा, एक्स ऑफ टी के जगह वन आ जाएगा इंटू डी टी। तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये आ जाएगा टी अप टू माइनस फोर टू फोर इज इक्वल्स टू एट आ गया। क्लियर है,
तो ये 100 टी की एनर्जी आ गई। अब हमसे किस कोई पूछे कि अब हमसे क्या नहीं, हमें क्या निकालना है, 100 टी बाई 2 की एनर्जी निकालना है। तो 102 टी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी हम लोगों ने टाइम स्केलिंग में देखा था, अगर 100 टी है और 100 अल्फा टी निकालना है तो इसे हम लोग बस अल्फा से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे अल्फा क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, लेट्स अल्फा इक्वल्स टू 2। तो ये हो जाएगा -2 से लेकर 2 तक, तो ये एक नया सिग्नल बन जाएगा जो कहाँ से तक, कहाँ तक है, -2 से 2 x(2t). क्लियर है ये टी। अब इसका एनर्जी अगर हमें कैलकुलेट करना है, इसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो E इक्वल्स टू लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी -t से t x(t) का होल स्क्वायर इंटू dt। क्लियर है, x(t) का होल स्क्वायर इंटू dt। अब हमें यहाँ क्या लिखना है, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी माइनस टी के जगह कितना आ जाएगा, 2। तो -2 से 2 x(t) का वैल्यू कितना, 1 इंटू dt इज इक्वल्स टू आ गया टी -2 से 2 तक, कितना आ गया वैल्यू, 4। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4। इसकी वैल्यू x(t) की एनर्जी 8 थी और 102t की एनर्जी 4 आएगी, मीन्स हाफ हो गया। अगर इसे हम लोग देखें तो ई ऑफ xt कितना था, ई ऑफ xt 8 था और ई ऑफ x(2t) कितना हो गया, वो 4 हो गया, यानी कि 8/2। तो यही से हम लोगों ने जनरलाइज एक फॉर्मूला लिख दिया कि अगर x(t) की एनर्जी E है तो x(α(t) की एनर्जी कितनी होगी, E अपॉन मॉड अल्फा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप इसे रेड मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ताकि आप लोग कभी इसे भूले ना। क्लियर है, चलिए यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट इसी में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और है कि अगर x(t) की एनर्जी E है तो k x(t) की एनर्जी कितनी हो जाएगी, k² टाइम्स ऑफ E। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि x(t) की एनर्जी E है तो k x(t) की एनर्जी k² टाइम्स ऑफ E हो जाएगी। इसे तुरंत हम लोग देख लेते हैं एक एग्जांपल की बेसिस पे, वही एग्जांपल हम लोग सिंपल सा एग्जांपल फिर से लेते हैं समझने के लिए कि ये -3 से 3 है, इसकी वैल्यू 1 है, ये x(t) है हमारा और इसकी एनर्जी निकालनी है। तो इसकी एनर्जी निकालेंगे तो E ऑफ x(t) इज इक्वल्स टू लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी -t से t x(t) होल स्क्वायर d ऑफ t। क्लियर है, तो इक्वल्स टू आ गया कितना, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी, ये लिमिट कहाँ से आ जाएगा, -3 से 3 तक, और x(t) की वैल्यू कितनी हो रही थी, 1 इंटू dt इज इक्वल्स टू आ गया 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस सिग्नल को मल्टीप्लाई कर देना है k से, k के जगह हम लोग कुछ और ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं मान लीजिए। अब हमें क्या निकालना है, ये x(kt), k टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, ये x(kt) निकालना हमें। तो क्या करेंगे, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी -t टू t k टाइम्स x(t) की होल स्क्वायर इंटू d(t). तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी -3 से 3, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 4 d ऑफ t। k की वैल्यू हम लोग ने कितनी ली थी, 2, यहाँ पे k क्या, k इक्वल्स टू 2। तो ये क्या हो गया, ये हमारा जो आंसर आएगा 4 इंटू 6 आएगा, यानी 4 टाइम्स मल्टीप्लाइड आंसर आ रहा, हमारा जो ओरिजिनल आंसर था वो 6 था, अब जो आंसर आ रहा वो 4 टाइम्स आ रहा, 4 टाइम्स आ रहा मीन्स 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर यानी k का स्क्वायर। ठीक है,
तो ये हमारी यहाँ से एक जनरलाइज फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कि x of t का एनर्जी अगर E है तो k टाइम्स x of t की एनर्जी कितनी हो जाएगी, k स्क्वायर इंटू E। क्लियर है, ये हो गया एनर्जी। अब आते हैं हम लोग पावर पे। अब हम लोग पावर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास कोई x ऑफ t है, इसका पावर कैलकुलेट करना है, इसका क्या निकालना है, पावर। तो p इज इक्वल्स टू लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन t माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी x ऑफ t का मोड का स्क्वायर इंटू डी ऑफ टी। क्लियर है, तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला हो गया, ये पावर निकालने का फॉर्मूला हो गया। किसी भी सिग्नल का पावर हमें अगर कैलकुलेट करना है, लेकिन ये किसके लिए है, ये सिर्फ कंटिन्यूस और एनालॉग सिग्नल के लिए, ये सिर्फ कंटिन्यूस और एनालॉग सिग्नल के लिए। यहाँ पर भी डिस्क्रीट के लिए फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमारा सिग्नल डिस्क्रीट है तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 2n प्लस 1 माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ n होल स्क्वायर डी ऑफ सॉरी ये डी ऑफ n हो जाएगा, डी ऑफ n सॉरी यहाँ मैंने टी लिख दिया, ये टी नहीं होगा, ये करेक्ट कर लीजिएगा, ये टू टी होगा, वन अपॉन टू टी लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टू टी का होल स्क्वायर डी ऑफ टी। ठीक है, और ये हो गया डिस्क्रीट के लिए। ये हो गया डिस्क्रीट के लिए, क्लियर है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया पावर निकालने का, एक कंटिन्यूस टाइम डोमेन में और एक डिस्क्रीट टाइम डोमेन में। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग x ऑफ t का पावर p है, यहाँ पे आप लोग अगर नोट कर लीजिएगा कि x ऑफ t का पावर अगर p है, तो अगर हम लोग इसे शिफ्ट कर दें x ऑफ t माइनस t नॉट, तो इसका भी पावर p ही रहेगा, इसका भी पावर क्या रहेगा, p ही रहेगा। तो इस यहाँ से हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि टाइम शिफ्टिंग डज नॉट अफेक्ट द पावर ऑफ द सिग्नल। जो टाइम शिफ्टिंग होता है वो पावर ऑफ द सिग्नल को अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। एक और, अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एनर्जी क्या, पावर क्या होता है, पावर इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, पावर इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। तो अगर हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर दें, डी ऑफ ई इज इक्वल टू पी डी टी, और इसे इंटीग्रेट कर दें तो ई इज इक्वल टू पी इंटू सम टाइम आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखें, मान लीजिए हमारे पास जो एनर्जी है वो 4 है, 4 जूल है, मान लीजिए हमारे पास जो एनर्जी है वो 4 जूल है, तो उसका पावर क्या हो जाएगा, उसका पावर जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दें तो वो जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी हम समझ सकते हैं, अगर किसी भी सिग्नल की फाइनाइट एनर्जी है, किसी भी सिग्नल की कोई फाइनाइट एनर्जी है, तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी, उसकी पावर हो जाएगी जीरो। इसीलिए बोल सकते हैं कि किसी भी सिग्नल के पास कोई एनर्जी सिग्नल, किसी भी सिग्नल को एनर्जी सिग्नल तब बोलेंगे जब उसका कुछ फाइनाइट एनर्जी होगा, ठीक है। और किसी भी सिग्नल को पावर सिग्नल तब बोलेंगे जब उसका कुछ फाइनाइट पावर होगा। ये आप लोग नोट कर लीजिए कि अ सिग्नल कैन बी एनर्जी सिग्नल ओनली इफ़ इट हैज़ फाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। उसके पास अगर फाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, एनर्जी सिग्नल बोलेंगे। और उसके पास अगर फाइनाइट अमाउंट ऑफ पावर है
तो उसे पावर सिग्नल बोलेंगे। अ सिग्नल कैन नॉट बी बोथ एनर्जी एंड पावर सिग्नल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट डाउन कीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट। अ सिग्नल कैन नॉट बी बोथ एनर्जी एंड पावर सिग्नल, ठीक है। कोई अगर सिग्नल है वो एक ही टाइम पे एनर्जी सिग्नल भी हो जाए पावर सिग्नल भी हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि हमें पता है अगर उसका एनर्जी फाइनाइट है तो पावर जीरो आएगा, और पावर अगर फाइनाइट है तो उसकी एनर्जी इनफाइनाइट आएगी, ठीक है। क्योंकि एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ टी, और उसकी अगर पावर फाइनाइट है तो उसका एनर्जी इनफाइनाइट होगा, ठीक है। क्योंकि हमें पता है पावर इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, अगर किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को हम डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। तो ए सिग्नल कैन नॉट बी बोथ एनर्जी एंड पावर सिग्नल, एक सिग्नल एक ही टाइम पे एनर्जी एंड पावर सिग्नल बोथ नहीं हो सकता, ठीक है। अब कुछ तरीका है मैं आपको बताता हूँ जिससे आप पहचान सकते हैं देख के कोई सिग्नल को। कोई सिग्नल मान लीजिए दिया हुआ एक्स ऑफ टी ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ, तो आप उसे देख के कैसे बता सकते हैं कि एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल है, ठीक है। तो अगर हमारे पास एनर्जी सिग्नल है, अगर हमारे पास मान लीजिए कोई एनर्जी सिग्नल है तो इसमें क्या होगा कि मान लीजिए ये कुछ टाइम के बाद जो सिग्नल है ना वो जीरो हो जाएगा, एक्स ऑफ टाइम मीन्स उसका जो टाइम पीरियड है एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग फाइनाइट होगा, वो कुछ टाइम पीरियड के बाद जीरो को अप्रोच कर देगा, ठीक है। ये भी मान लीजिए ये क्या हो गया, कुछ टाइम के बाद क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये क्या, ये सारे एनर्जी सिग्नल है। ऐसा सिग्नल जो कुछ टाइम के बाद उसकी वैल्यू जीरो हो जाए, ठीक है, तो इसे सिग्नल को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी सिग्नल। ये आप लोग नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग देख के किसी भी सिग्नल को कैसे बता सकते हैं कि एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल है। उसका जो एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड बिकम्स जीरो आफ्टर सम टाइम। जो एम्पलीट्यूड है वो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जो एनर्जी सिग्नल है, अगर एनर्जी सिग्नल है कोई, तो उसका एम्पलीट्यूड कुछ टाइम के बाद जीरो हो जाएगा। तो इससे हम लोग पहचान सकते हैं कि वो सिग्नल एनर्जी सिग्नल है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अगर हमारे पास पावर सिग्नल है मान लीजिए, पावर सिग्नल है, तो पावर सिग्नल क्या करता है, पावर सिग्नल एक कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड मेंटेन करता है अप टू इन्फिनिटी। जैसे यू ऑफ टी है, यू ऑफ टी क्या है, ये पावर सिग्नल है। क्यों पावर सिग्नल है, क्योंकि हमें पता है कि यू ऑफ टी टी ग्रेटर देन जीरो की सारी वैल्यू के लिए अप टू इन्फिनाइट के लिए क्या होती है, वन वैल्यू लेती है। कितनी लेती है, वन। तो यू ऑफ टी की वैल्यू कितनी आती है, वन फॉर टी ग्रेटर देन जीरो अप टू इन्फाइनाइट। तो ये क्या कर रहा है, कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड मेंटेन किए हुए है। कितना, वन, वन को अप टू इन्फिनिटी मेंटेन किए हुए। तो ये कितना, कौन सा सिग्नल हो गया, पावर सिग्नल। तो पावर सिग्नल को हम लोग देख के कैसे पहचान सकते हैं कि ये पावर सिग्नल है, उसका एम्पलीट्यूड हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा अप टू कुछ कॉन्स्टेंट वैल्यू रहेगा। ऐसा नहीं कि जीरो हो जाए, मतलब वो जीरो कभी नहीं होगा, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू को मेंटेन किए हुए रहेगा। तो ऐसा सिग्नल को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर सिग्नल। तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं, इट मेंटेन्स अ कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये क्या करता है, कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड मेंटेन करता है थ्रू आउट द सिग्नल, मीन्स अप टू इन्फिनिटी तक। तो ऐसे सिग्नल को क्या बोलते हैं हम लोग, पावर सिग्नल। हम लोग देख के बता सकते हैं ये क्या है, पावर सिग्नल। यहाँ तक क्लियर है? अब मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा सिग्नल है कि एक साइड तो उसकी वैल्यू
जीरो हो जा रही है और एक साइड उस क्या कर रहा है, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड मेंटेन किए हुए, ये एक्स ऑफ टी है, ठीक है। ये एक साइड तो जीरो अप्रोच हो रहा है और एक साइड कांस्टेंट एम्पलीट्यूड मेंटेन किए हुए। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हम लोग पता है कि ये अगर सिर्फ इतने सिग्नल को देखें तो ये क्या हो जाएगा, एनर्जी सिग्नल। और इस वाले पार्ट को देखने से पता चल रहा है ये क्या हो रहा, पावर सिग्नल, ठीक है। इस वाले पार्ट को देखने से लग रहा है ये एनर्जी सिग्नल है और इस वाले पार्ट को देखने से लग रहा है ये पावर सिग्नल है। तो जब भी हमारे पास ऐसा कुछ आए कि उसमें एक एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल का सम है तो आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा, हमें पावर सिग्नल मिलेगा। अगर हम लोग इसका एनर्जी कैलकुलेट करना चाहें तो इसकी एनर्जी कितनी आएगी, इसकी एनर्जी इन्फाइनाइट आएगी, ठीक है। इसीलिए ये क्या है, पावर सिग्नल है, ठीक है। तो एनर्जी सिग्नल प्लस पावर सिग्नल हमें क्या देता है, एनर्जी सिग्नल प्लस पावर सिग्नल हमें पावर सिग्नल देता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनर्जी सिग्नल प्लस पावर सिग्नल क्या है, एनर्जी सिग्नल प्लस पावर सिग्नल क्या देता है हमें, पावर सिग्नल देता है, ठीक है। एनर्जी सिग्नल प्लस पावर सिग्नल हमें क्या देता है, पावर सिग्नल। अब हमें ये एक चीज़ बात ध्यान में रखनी है कि एनर्जी सिग्नल हो या पावर सिग्नल हो, कभी भी इसकी वैल्यू इनफाइनाइट, एक्स टी की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं जानी चाहिए किसी भी टाइम पीरियड में। मान लीजिए ये हमारे पास एक्स ऑफ टी है, ठीक है, एक्स ऑफ टी है और ये एक्स ऑफ टी कुछ ऐसा जा रहा, मीन्स ये इन्फिनिटी तक जा रहा, ठीक है। ये हमारा टाइम है, ये कुछ टाइम के बाद इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा, तो ये ना तो एनर्जी सिग्नल है ना ही पावर सिग्नल है। ये सिग्नल क्या है, ना ही एनर्जी सिग्नल ना ही पावर सिग्नल, नाइदर एनर्जी नॉर पावर, ठीक है। ये ना ही एनर्जी सिग्नल है ना ही पावर सिग्नल है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, जब भी हमें एक्स ऑफ टी दिया हुआ हो तो एक्स ऑफ टी कभी भी इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं करना चाहिए, एक्स ऑफ टी कभी भी इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अगर एक्स ऑफ टी इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए तो वो ना ही एनर्जी सिग्नल रहेगा ना ही पावर सिग्नल रहेगा, क्लियर है। तो अगर हम लोग देखें कि हम लोग ने दो सिग्नल्स देखे थे इम्पल्स के, कंटिन्यूस डोमेन में और टाइम डोमेन में, ये डिस्क्रीट डोमेन में, तो ये क्या था, अगर ये डेल ऑफ टी है तो डेल ऑफ टी कितनी, ये वैल्यू कितनी जा रही थी, इन्फाइनाइट जा रही थी, और एक था डेल ऑफ एन, इसकी एम्पलीट्यूड कितनी जा रही थी, वन जा रही थी, ठीक है। तो डेल ऑफ टी क्या होगा, नाइदर एनर्जी नॉर पावर, डेल ऑफ टी क्या होगा, नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल, क्योंकि इसकी एम्पलीट्यूड कितनी जा रही है, इन्फाइनाइट। और अभी हम लोगों ने देखा था अगर कोई सिग्नल है जिसकी एम्पलीट्यूड इन्फाइनाइट तक अप्रोच कर रही है तो नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल होगा। तो ये कैसा है, नाइदर एनर्जी नॉर पावर, और ये कैसा सिग्नल हो जाएगा, ये एनर्जी सिग्नल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ टाइम के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो गई, जीरो, कुछ टाइम के बाद वैल्यू जीरो हो गई और ये कांस्टेंट एम्पलीट्यूड मेंटेन नहीं किए हुआ, इसलिए ये पावर सिग्नल हो नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा, एनर्जी सिग्नल। ये हम लोग ने क्या देखा, एनर्जी एंड पावर सिग्नल। अब हम लोग जो नेक्स्ट देखेंगे वो इवन एंड ऑड सिग्नल देखेंगे, क्लियर है। उसके बाद पीरियोडिक एंड एपीरियोडिक सिग्नल, कॉजल एंड नॉन कॉजल सिग्नल।